हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में भी निशुल्क शिक्षा के दायरे को 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किए जाने की सिफारिश की गई है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 देश में अभी तक लागू नहीं की गई है, परंतु हरियाणा सरकार ने इस सिफारिश को पहले ही मानने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं तक NCERT की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जिनकी लगभग 650 रुपये से लेकर 700 रुपये तक प्रति कक्षा प्रति विद्यार्थी कीमत होती है। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 6,19,256 है, जिनकी पुस्तकों का कुल खर्च 41,47,57,450 रुपये है। उन्होंने बताया कि उक्त चारों कक्षाओं की पुस्तकों को पुस्तकालयों अथवा बुक बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाएगा। जो विद्यार्थी पास आउट करके अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा तो वह पिछली कक्षा की पुस्तकों को पुस्तकालय में जमा करवा देगा और अगली कक्षा की पुस्तकों को पुस्तकालय से इशू करवा लेगा। इस प्रकार हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग को इस व्यवस्था पर एक बार ही ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बाद में प्रति वर्ष मात्र 10-20% ही खर्च होगा। 9th क्लास से लेके और 12th तक जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें फ्री देनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक कहीं भी लागू नहीं है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया है और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि जो 9वीं से 12वीं तक के जो भी बच्चे हैं उनको सरकार जो पुस्तकें हैं वो फ्री देगी। 8वीं तक के लिए तो हम पहले ही पुस्तकें भी बैग भी और बैटरी बैग्स वगैरह सारा कुछ पहले ही से ही उनको फ्री देते हैं, लेकिन अब 9th से लेकर 12th तक भी हम ये जो पुस्तकें हैं उनको फ्री उपलब्ध करवाएंगे। इसमें सरकार का लगभग 41.47 करोड़ रुपया इस पर हमारा खर्च होगा और लगभग ये 6,19,256 बच्चे इन क्लासों में 9th से लेकर 12th तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकें हम उनको देंगे तो उनका पूरा होने के बाद पीरियड पूरा होने के बाद वो पुस्तकें दोबारा से वापस से हमारे पास ही जमा करा देंगे और उन्हीं पुस्तकों को हम जिनकी ठीक स्थिति में जो पुस्तकें होंगी उनको अगली क्लास में जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को पुस्तकें हम दोबारा से वितरित कर देंगे। पहली बार में तो हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में खर्चा कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये हमारा 10-20% ही खर्चा रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी पुस्तकें बच जाएंगी और इससे मैं समझता हूँ और भी फायदा होगा, क्योंकि जो हर बार मान लो बच्चा जो पुस्तक लेता है और उसके बाद अगली बार नई पुस्तक लेता है तो कागज़ बनाने में भी काफ़ी पेड़ भी लगते हैं, पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो जहाँ बच्चों को फ्री में पुस्तकें मिलेगी वहीं पर्यावरण का भी इसमें बचाव होगा और निश्चित तौर से बच्चों का लाभ होगा इसका बहुत। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।